नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्र 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में हम UP SSSC के लिए वीडियो बंदरोगा जूनियर स्टैंड तीनों के लिए कम्बाइंड त्रिदेव ब्रह्मास्त्र लेकर के आए हैं। इस सीरीज में हम सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आज की क्लास का हमारा सेट नंबर 7 है। इससे पहले मैं 6 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ, अगर आपने वो ना देखे हो तो वो जरूर देख लीजिए। ये प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर को मिक्स करके बनाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। तो ये वीडियो बंदरोगा और जूनेशन तीनों के लिए लाजवाब सीरीज रहेगी, ठीक है। तो चलिए सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास में हम सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना वीडियो के अंत में कि आपको ये सेशन कैसा लगा, ठीक है। और जिन भाई बहनों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, लाइक कर दिया है, शेयर कर दिया है, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य ज्ञान का फर्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर तीन भागों में विभाजित था। ऑप्शन है लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और धौलाबीरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा धौलाबीरा, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज राइट, धौलाबीरा। अब ये धौलाबीरा है, यह गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। इसे स्थानीय रूप से कोटदा टिम्बा भी कहा जाता है। हाल ही में यूनेस्को ने धौलाबीरा शहर को भारत के 40वें विश्व स्थल के रूप में घोषित किया। कौन से? 40वें, ठीक है, विश्व स्थल के रूप में घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, धनुर्वेद, शास्त्र, आयुर्वेद या योगवेद। तो योगवेद जो है आपका उपवेद नहीं है, और बाकी ये तीनों उपवेद हैं, ठीक है। तो 4 उपवेद है हमारे, आयुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद या स्थापत्यवेद, दोनों को एक ही नाम है, और शास्त्रवेद, या फिर इसको ही बोलते हैं धनुर्वेद, ठीक है। शास्त्रवेद को ही हम क्या बोल देते हैं, धनुर्वेद भी बोल देते हैं, ठीक है, धनुर्वेद भी इसे बोल देते हैं। तो इसका आंसर जो हो गया है वो योगवेद हो गया। उपवेद हमारा कौन सा नहीं है, योगवेद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था। सबसे पहले किसने आक्रमण किया था भारत पर? ऑप्शन है फिरदौसी शाह ने, मोहम्मद गौरी ने, मोहम्मद बिन कासिम ने, या फिर महमूद गजनवी ने। तो महमूद गजनवी थोड़ा सा कट रहा है, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं इसे, हाँ, महमूद गजनवी ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम ने। इन सब में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में आक्रमण किया था। कब किया था? 712 में भारत पर आक्रमण किया था। और मोहम्मद बिन कासिम ने जो है अल हजाज के कहने पर आक्रमण किया था, और उस समय जो दाहिर था वो भारत में सिंध पर इन्होंने आक्रमण किया था। तो उस समय सिंध का जो शासक था वो दाहिर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। इसमें एक बात और बता दूं, मोहम्मद बिन कासिम ने जो दाहिर पर आक्रमण किया था 712 में, ये सब जो घटनाएं हैं वो कहाँ से मिलती हैं? चचनामा से मिलती हैं। ये फारसी ग्रंथ है जो मुस्लिमों के द्वारा लिखा गया है। आगे है, खुजराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस इस राज्य में है? तो ठीक है, तो खुजराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक जो है वो किस राज्य में? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, या फिर महाराष्ट्र में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट, मध्य प्रदेश में। ये जो है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है, खुजराहो के जो मंदिर हैं या खुजराहो के जो स्मारक हैं वो सब, ठीक है। और इनको जो निर्माण किया था वो चंदेल राजाओं ने किया था, ठीक है, 1950 से लेकर के 1050 के बीच में, सॉरी 1950 नहीं 950, मैं गलत बोल गया, 950 से लेकर के 1050 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं, पश्चिमी से, पूर्वी से, दक्षिणी से, या फिर उत्तरी से। तो पाल साम्राज्य भारत के पूर्वी हिस्से से संबंधित है, ठीक है, पूर्वी हिस्से से संबंधित है। पूरब में किधर की तरफ? बंगाल और बिहार की तरफ, ठीक है। पाल वंश की स्थापना जो की थी वो गोपाल ने की थी, पाल से गोपाल, ऐसे याद रख सकते हैं, गोपाल ने की थी। इस वंश का सबसे प्रतापी जो राजा था वो धर्मपाल था। कौन था? धर्मपाल, ये नाम आप याद रखेंगे, धर्मपाल, ठीक है, धर्मपाल था। इसने ही किसकी स्थापना की थी? नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला की स्थापना की थी इसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, दक्षिण भारत की किस राजा ने 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था, ठीक है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन के। ऑप्शन है वीरा पांड्या,
कोट्टा बोम्मन, राजा राज चोल, मार्तंडेय वर्मा या फिर हैदर अली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मार्तंडेय वर्मा, सी ऑप्शन इज राइट। ये जो आक्रमण हुआ है वो क्वेश्चन में दे ही रखा है, 1741 में जो मार्तिन वर्मा ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य जो युद्ध हुआ था, ये जो युद्ध हुआ था त्रावणकोर की सेना ने डच सेना को परास्त कर दिया था। तो ये जो त्रावणकोर के थे, ठीक है। और बात क्या आती, भारत में डच ईस्ट इंडिया जो कंपनी आई थी वो आई थी 1605 में। कब आई थी? 1605 में आई थी भारत में, ठीक है। और अंतिम रूप से इसका जो पतन हुआ था वो 1700 डच का 1759 में हुआ था। और अंग्रेजों और डचों के बीच मध्य युद्ध हुआ था, वो कौन सा युद्ध हुआ था? बेदरा का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? बेदरा का युद्ध हुआ था। इसके बाद डचों का जो साम्राज्य था वो सब समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 है हमारा, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ऑप्शन है 1748 में, 1757 में, 1764 में, या फिर 1782 में। तो ये सभी को पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1757 में, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। 23 जून कब हुआ था? 23 जून 1757 को अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो नादिया जिले नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है। इस युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला पराजित हो गए थे और अंग्रेजों द्वारा मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया था, ठीक है। इस युद्ध में अंग्रेजों की ओर से जो सेनापति थे वो कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे, ठीक है। इतना रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा पेपर के लिहाज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल साम्राज्य को प्रति वर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हो गई थी। कितने रुपए भुगतान करती थी? ऑप्शन है 82 लाख, 26 लाख, 44 लाख या फिर 68 लाख। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 26 लाख, ठीक है। कितने रुपए हो जाएगा? 26 लाख, बी ऑप्शन इज राइट। अब इसमें क्या हुआ था, एक संधि हुई थी, संधि में कुछ शर्तें थी, मैं पूरी घटना बता देता हूँ क्या थी। बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो 12 अगस्त 1765 में हुआ था। कब हुआ था? 12 अगस्त 1765 को हुआ था बक्सर का युद्ध, ठीक है। आपस ईयर याद करिए, 1765 में हुआ था बक्सर का युद्ध। इसमें क्या था, क्लाइव ने मोहम्मद 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 बादशाह शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की संधि की, और इस संधि की जो शर्तें थी वो सुन लीजिए आप। पहली शर्त थी, मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को सौंप दी, अंग्रेजों को सौंप दी। सेकंड थी, कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और मणिकपुर छीन लिए और मुगल सम्राट को दे दिए, ठीक है, छीनकर मुगल सम्राट को दे दिए। नेक्स्ट है, कंपनी ने मुगल बादशाह को वार्षिक 26 लाख रुपए पेंशन देने की बात कही और नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार कर लिया गया। ये सब शर्तें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित है? ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1892, 1909, 1919 या फिर 1935। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1919, 1919, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? ऑप्शन है नेहरू ने, गांधी ने, जेपी नारायण ने या फिर M.N. राय ने। तो इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, M.N. राय ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी, ठीक है। सीधा क्वेश्चन है, ऑप्शन है 12, 13, 15 या फिर 17। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 15 सदस्य थी, ठीक है। महिला सदस्य कितनी थी? 15 सदस्य थी, जिनमें जो प्रमुख थी उनके नाम सुन लीजिए, दुर्गा भाई देशमुख, अमृता कौर, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, ये सब 4-5 महिलाएं जो प्रमुख थी। वैसे टोटल महिलाओं की संख्या थी 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की अल्पसंख्यक की उपसमिति के अध्यक्ष का नाम बताना है। ऑप्शन है, ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, बी पट्टाभी सेतावरमैया, एच सी मुखर्जी, के एम मुंशी, ठीक है। तो अब फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, संविधान सभा के अल्पसंख्यकों की उपसमिति का अध्यक्ष हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट, मुखर्जी, H.C. मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखो कई सारी समितियां बनी थी, सबके अलग अलग थे, ठीक है। मैं एक बार थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ, जरा सुनना ध्यान से, अगर आप एक बार में याद नहीं कर पाए तो वीडियो को पॉज करके या स्पीड को कम ज्यादा करके भी देख सकते हैं। पहली समिति है संघ शक्ति समिति, इसके थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसके भी। प्रांतीय संविधान समिति, इसके थे
सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति इस या फिर इसे ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोलते हैं, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यकों से संबंधित परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है कुछ। और इसके अलावा कुछ उप समितियां भी थी, जैसे कि मौलिक अधिकार की उप समिति जिसके थे के जे बी कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति के थे एच सी मुखर्जी, यही क्वेश्चन है हमारा। प्रक्रिया नियमित समिति के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समिति के थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। ऑप्शन है नेपाल, चीन, म्यांमार या फिर बांग्लादेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ जो भारत है वो 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा को साझा करता है, ठीक है। इसके बाद जो साझा करते हैं वो चीन है, फिर मतलब लंबाई के अकॉर्डिंग कम घटते हुए चले जाएंगे, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सबसे कम सीमा साझा करता है भारत के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय प्रायद्वीप डैश तक फैला हुआ है। ऑप्शन है अरब सागर तक, हिंद महासागर तक, हिमालय तक या फिर बंगाल की खाड़ी तक। तो वो जो प्रायद्वीप है हमारा वो हिंद महासागर तक फैला हुआ है। कहाँ तक फैला हुआ है? हिंद महासागर तक फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन है गुजरात है, झारखंड है, असम है, मिजोरम है, ठीक है। तो किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है वो हमें लगानी है, ठीक है। आगे चल देखते हैं इसमें किस तरीके से हम लगाएंगे इस क्वेश्चन को। देखिए कर्क रेखा जो है हमारी किस किस से निकलती, पहले ये नाम हमें पता होने चाहिए। तो देखो 8 राज्य हमारे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसमें हमारा असम का नाम कहीं नहीं आया, तो ये वाली बात हमारी हो गई गलत। तो हमारे गुजरात से भी गुजर रही है, झारखंड से भी और मिजोरम से भी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल नहीं खाता है, नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करेंगे, देखो मैचिंग है, मैचिंग के अकॉर्डिंग जो साइंटिस्ट है उसका नाम सही है या नहीं है वो हमें देखना है। तो अब देखो इस वाली वाली बात बात को हम देखें तो नेबुलर परिकल्पना आर्किमिडीज ने दी थी, यही आंसर गलत है, ठीक है। नेबुलर जो परिकल्पना है जो वो लाप्लास ने दी थी। किसने दी थी? लाप्लास ने। मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, लाप्लास ने दी थी। किसने दी? लाप्लास ने दी थी। अब बात क्या है, और बाकी के सभी सही है, तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारे ये ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आर्किमिडीज ने नहीं दी थी, ये बात गलत है। किसने दी थी? लाप्लास ने दी थी। आगे चलते हैं हम लोग, और ये सभी बातें सही हैं। 117वां क्वेश्चन है, सूर्य की का दीप्तमान आमुख जिसे हम देखते हैं कहलाता है, क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल, स्थल मंडल, वर्ण मंडल या फिर वातावरण। जो हमें प्रकाश, सूर्य का दीप्तमान आमुख दिख रहा है वो हमारा कहलाता है प्रकाश मंडल। क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल। ए ऑप्शन इज राइट, प्रकाश मंडल। क्या बोलते हैं उसे? प्रकाश मंडल, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा या सितारा कौन सा है? तो ऑप्शन है हमारे अल्फा सेंचुरी, बलार्ड, बनार्ड स्टार, प्रोक्सिमा स्टोरी या फिर सीरियस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। सी ऑप्शन इज राइट, प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है, ठीक है। सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है क्योंकि इसमें सम्मिलित होती है, क्या सम्मिलित होती है? ऑप्शन है विदेशी आय, अप्रत्यक्ष कर, पूंजी खपत भत्ता या प्रत्यक्ष कर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट, पूंजी खपत भत्ता। पूंजी खपत भत्ता इसमें शामिल होने की वजह से ये हमेशा इससे ज्यादा होती है। आगे क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, योजना आयोग, वित्त आयोग या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार पेपर पूछा गया, शायद आपको पता भी होगा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है राष्ट्रीय आय का आकलन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 120 के बाद 121 पे हम आ गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आधारित संरचना कारक, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर्स, कृषि विकास से संबंधित नहीं, नहीं पूछा जा रहा, नहीं है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम डायरेक्ट ऑप्शन पे चलते हैं, फिर मैं बताऊंगा, कई बहुत सारे होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कृषि से विकास से लिए क्या संबंधित नहीं है, तो खनन संबंधित नहीं है, डी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। अब बात क्या है,
कि क्या क्या संबंधित है वो सुन लीजिए। सिंचाई है, परिवहन है, विद्युतीकरण है, भंडारण है, संचार संरचना है, कृषि बाजार है, बीमा है, ये सब कृषि विकास के लिए आधारित है, संबंधित कारक है। ठीक है, तो ये तीनों ही चीजें आ गई हैं। सड़क की उपलब्धता भी है, सिंचाई भी है, बीमा भी है, पर खनन नहीं आया। ठीक है, तो खनन ही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित नेताओं में से कौन से नेता गोरखनाथ मंदिर और मठ के मुख्य पुजारी भी हैं? ठीक है, ऑप्शन है उमा भारती, योगी आदित्यनाथ, श्री श्री रविशंकर, महंत परमहंस दास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्या, बी ऑप्शन इज राइट, योगी आदित्यनाथ, जो इस समय हमारे उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वही जो है गोरखनाथ मंदिर के कौन है मुख्य पुजारी और मठ के मुख्य पुजारी भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमारे, उत्तर प्रदेश में डैश हेतु शबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई है, तो गरीबी दूर करने के लिए, कुपोषण दूर करने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए, या फिर निरक्षरता दूर करने के लिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट। जो शबरी योजना है वो आपकी किसके लिए यूज की गई है, कुपोषण को दूर करने के लिए। अब ये योजना है उसका फुल फॉर्म है सस्टेनेबल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एवं रेड इंडिकेटर। ठीक है, और ये जो योजना शुरू की गई थी वो शुरू की गई थी 11 जुलाई 2017 में। कब की गई थी, 11 जुलाई 2017 में ये योजना शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत गरीब गर्भवती महिलाएं जो होती हैं और 5 वर्ष तक के लिए अति कुपोषित बच्चों को अतिरिक्त पोषाहार दिया जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है जापानी इनफेलाइटिस के अमूलन से, पोलियो के अमूलन से, प्रत्यक्ष गांवों को खुले में शौच से मुक्त कराने से, या फिर यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या उस घर में शौचालय है, राज्य के हर घर तक पहुंचाना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ई ऑप्शन सही हो जाएगा, जापानी इंसेफेलाइटिस के अमूलन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का शिलान्यास कहाँ किया गया था? अहमदाबाद में, गुरुग्राम में, चंडीगढ़ में, या फिर नोएडा में? तो इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर है वो है डी ऑप्शन इज राइट, नोएडा में। ठीक है, जुलाई 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में देश के पहले मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का शिलान्यास किया था, मोबाइल ओपन एक्सचेंज, ठीक है, MOX का शिलान्यास किया था। ठीक है, मोबाइल ओपन एक्सचेंज जो है वो मोबाइल उद्योग से समर्पित पारिस्थितिकी तंत्र होगा, जो मोबाइल निर्माता, अनुसंधान, विकास और संबंधित उद्योगों के एकीकरण मंच पर प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस 4 जनवरी को, 9 जनवरी को, 4 फरवरी को, या फिर 9 फरवरी को? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4 जनवरी को, ए ऑप्शन इज राइट। 4 जनवरी 2016 से ये शुरू हुआ है। ठीक है, 4 जनवरी 2016 से ये शुरू हुआ है। प्रथम उत्तर प्रदेश प्रवासी का जो उद्घाटन हुआ था वो आगरा के होटल में हुआ था। ठीक है, ITC मुगल में हुआ था, उस समय पर अखिलेश यादव जी थे मुख्यमंत्री। ठीक है, इस समारोह का उद्देश्य जो है वो प्रदेश में उद्योग एवं निवेश पर बल देना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश से जुड़े 16 प्रवासी भारतीयों को विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए उत्तर प्रदेश रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर, कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? ठीक है, कौन सा देश है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? ऑप्शन है चीन, भूटान, नेपाल, या फिर बांग्लादेश? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट, नेपाल। नेपाल जो है उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, अब ये तो हमें पता ही है कि नेपाल जो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है, पर जो नेपाल है वो उत्तर प्रदेश के अलावा और भी कई राज्यों से सीमा साझा करता है, जो कि है उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, इन राज्यों से भी जो नेपाल सीमा साझा करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बुंदेलखंड नामक निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत आता है? ठीक है, बुंदेलखंड नामक जो क्षेत्र है वो किस सीमा के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन पढ़ लेते हैं, बिहार सॉरी उत्तर प्रदेश एवं बिहार सीमा, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश सीमा, उत्तर प्रदेश एवं नेपाल सीमा, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड सीमा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो मध्य प्रदेश सीमा, उत्तर प्रदेश की मध्य प्रदेश से जो सीमा लग रही है वहां पर बुंदेलखंड नामक क्षेत्र भी आता है। ठीक है, और यहाँ की जो मुख्य भाषा है वो बुंदेली है। ठीक है, इसमें उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं? जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा, महुआ,
ये उत्तर प्रदेश के जिले शामिल है और मध्य प्रदेश के हैं सागर, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और दतिया। ये क्षेत्र मध्य प्रदेश के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर शब्दावली में पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है हमें ये बताना है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम जरा। प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, प्रिंट डिस्पैच, डिस्पैच्ड फाइल, प्रोटोकॉल डिस्क फाइल या पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी पटल लघु पथ की बोर्ड शॉर्टकट विंडोज प्रचालन प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम में स्मार्ट स्टार्ट मेनू को दर्शाती है? तो स्टार्ट मेनू को क्या दर्शाती है वो हमें देखना है। ऑप्शन है Ctrl+Z, Alt स्पेस बार, Ctrl+Esc, Alt प्लस एंटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+Z। एक सेकेंड, जेड ये इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा Ctrl+C हो, Ctrl+Esc होगा, मतलब कि सी ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, टिम बर्नर्स ली, फिलिप डॉन एस्ट्रिज या फिर जेम्स गॉडस्टन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर शायद सभी को पता रहता है, तो चार्ल्स बेबेज ही कंप्यूटर के फादर कहे जाते हैं, जनक कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 132, RFP का पूरा नाम क्या है जिसका उपयोग IT सेक्टर में RFP दस्तावेज के संदर्भ में किया जाता है? तो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, रिक्वेस्ट फॉर पोटिशन, रिक्वेस्ट फॉर प्रोसेस, रजिस्टर फॉर्मल प्रोसेस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये ऑप्शन इज राइट, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाटसन कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस कंपनी का प्रोडक्ट है? ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, IMB, गूगल या फिर डेल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है IBM। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? IBM। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और IBM का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माप इकाइयों में CGS प्रणाली निम्नलिखित में से क्या परिभाषित है या क्या परिभाषा है? तो CGS की फुल फॉर्म क्या है ये हमें पूछ रहा है, ये समझिए आप। ठीक है, तो कूलम गास, सेटेरिगडन, सेल्सियस ग्रेड सेकेंड, सेंटीमीटर गैलन सेकेंड या सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो डी ऑप्शन इज राइट, सेंटीमीटर, सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से सेकंड। ठीक है, CGS पद्धति होती है ये। एक बोल्ट कितने के बराबर होता है? 1 जूल के, 1 जूल प्रति कूलाम के, 1 न्यूटन प्रति कूलाम के या फिर 1 जूल प्रति न्यूटन के। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 जूल प्रति कूलाम के। 1 बोल्ट की वैल्यू क्या होती है? 1 जूल प्रति कूलाम। ठीक है, 1 बोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलाम, वोल्ट बराबर होता है जूल प्रति कूलाम भी होता है। आगे चलते हैं हम लोग। तरल पदार्थों की तुलना में ठोस पदार्थों में परमाणुओं का व्यवस्थापन किस तरह का होता है? ऑप्शन है, अब देखो तरल जो पदार्थ होते हैं उनकी तुलना में ठोस का कैसा होता है? तो ठोस में क्या होते हैं हमारे, बहुत पास पास होते हैं, बारीक होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है दूर दूर होते हैं, ये गलत है। बारीक से नहीं बंधे होते, बारीकी से नहीं बंधे होते, ये भी गलत है। बहुत बारीकी से बंधे होते हैं, हाँ ये बात सही है। तो इस तरह से कम बारीकी से बने होते हैं, ये बात गलत हो जाएगी। तो सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हीरा तथा ग्रेफाइट की में समान है, क्या समानता है हीरा और ग्रेफाइट में? ऑप्शन है विद्युत चालकता, क्रिस्टल संरचना, घनत्व या फिर परमाणु भार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है परमाणु भार, परमाणु भार इसमें क्या होता है, समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोलोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, ट्रेमेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रोमेटोलॉजी, सी ऑप्शन इज राइट, ट्रोमेटोलॉजी। घाव के अध्ययन क्या बोलते हैं, ट्रोमेटोलॉजी। ठीक है, और भी है वैसे कि ऑन्कोलॉजी ये वाला है, ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी में कैंसर और ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है, डर्मेटोलॉजी में स्किन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र की पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन है न्यूरॉन, नेफ्रॉन, सेरिब्रम या सेरिबेलम। तो न्यूरॉन्स जो होते हैं वो तंत्रिका तंत्र की सबसे इंपॉर्टेंट इकाई होती है। ठीक है, इसी से सारी उत्तेजना वगैरह चाहती हैं और ये मस्तिष्क में भी वर्क करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, हमारे शरीर में कुल पोषक तत्व होता है एवं खनिजों का 90% शरीर के किस भाग में सर्वाधिक रूप से शोक
लिया जाता है, किस पार्ट द्वारा सबसे ज्यादा सोखा जाता है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं हमारे, गुर्दा है, बड़ी आंत है, पेट है, या फिर छोटी अंतड़ी, मतलब कि आंत, छोटी आंत की बात कर रहा है। तो जो भी हम खाना खाते हैं वो छोटी आंत के द्वारा पूरा एब्जॉर्ब किया जाता है, और छोटी आंत में एक चीज होती है, पार्ट्स होता है, उसको बोलते हैं VILL, वैली, वैली बोलते हैं, वैली के द्वारा अवशोषित किया जाता है। इसको हिंदी में बोले तो सूक्ष्मांकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूक्ष्मांकर की दीवार द्वारा इसे सोख लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थित कौन सा जिला भारत का कार्यात्मक रूप से साक्षर पहला जिला बन गया है? ऑप्शन है मंडला, सीहोर, हरदा, या फिर शाजापुर। तो मध्य प्रदेश की बात हो रही है, तो मध्य प्रदेश में कौन सा जिला है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मंडला जिला। ठीक है, अगस्त 2022 में मध्य प्रदेश में स्थित मंडला जिला है जो भारत का कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142। जनवरी 2023 में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? ठीक है, करंट का फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, करंट में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो प्रवासी दिवस है वो कहां पर आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है भोपाल में, इंदौर में, गांधीनगर में, या फिर वाराणसी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इंदौर में। कहां पर आयोजित किया जाएगा? इंदौर में। ठीक है, ये होगा 9 जनवरी 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुक रेल नाइट सफारी पार्क कहां पर स्थापित किया जाएगा? आगरा में, चित्रकूट में, सहारनपुर में, या फिर लखनऊ में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में। कहां पर आयोजित किया जाएगा या कहां पर बनाया जाएगा? ये लखनऊ में बनाया जाएगा। और ये जो पार्क बनाया जा रहा है, नाइट सफारी बनाया जा रहा है, वो 350 एकड़ में बनाया जाएगा। ठीक है, 350 एकड़ में ये बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में किस राज्य की सरकार ने राज्यों के प्रत्येक जिले में संस्कृत ग्राम विकसित करने की घोषणा की है या निर्णय लिया है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, कर्नाटक में, या फिर मध्य प्रदेश में। तो ये काम उत्तराखंड सरकार ने ये करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने खारे पानी से जलने वाली देश की पहली लालटेन का अनावरण किया। इस लालटेन का नाम क्या है? ऑप्शन है रोशनी, उजाला, दीपक, या फिर धमक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रोशनी। ये ऑप्शन इज राइट। इस मशाल का क्या नाम है या इस लालटेन का क्या नाम है? रोशनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाजन विभाजिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 12 जुलाई को, 13 जुलाई, 13 अगस्त को, 14 अगस्त को, या फिर 15 अगस्त को। तो विभाजन विभाजिका दिवस जो मनाया जाता है वो 14 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो 14 अगस्त को जो है हमारा पाकिस्तान की घोषणा हुई थी, और 15 अगस्त को हमारे भारत की घोषणा हुई थी। तो विभाजन विभाजिका दिवस हमारा 14 अगस्त को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में शंघाई सहयोग संगठन SCO की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित की गई है? ऑप्शन है आगरा में, वाराणसी में, मथुरा में, या फिर अयोध्या में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में शंघाई सहयोग संगठन SCO संस्कृत कोशिश की गई? तो वाराणसी में ये की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा किसे 31वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है? ऑप्शन है वासुदेव मोही को, शरण कुमार लिम्बाले को, के शिवा रेड्डी को, या फिर प्रोफेसर रामदरस मिश्र को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रामदरस मिश्र। प्रोफेसर रामदरस मिश्र को जो है 31वां सरस्वती सम्मान देने की घोषणा की गई है। और इनकी जो कविता है वो है मैं तो यहाँ हूँ। ठीक है, कविता क्या नाम है जिसके लिए दिया जा रहा है ये सम्मान इनको? मैं तो यहाँ हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 149। इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले या आगे करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और आप कमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि बस दो ही क्वेश्चन रह गए इस सेशन के। ठीक है, तो आप कमेंट करके ये बता सकते हैं कि ये सेशन आपको कैसा लगा। हमारे चैनल पर स्पीडी करंट अफेयर्स की कंप्लीट कराई जा रही है, आप उसको भी जा करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसको भी पढ़ सकते हैं। और आपको और कौन सी बुक या अपने पेपर के अकॉर्डिंग कौन सी बुक पढ़नी है तो वो भी आप हमें बताइए, तो हम उसको चैनल पर अपने पर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आपको जो भी बुक पढ़नी है तो वो आप बताइए, हम चैनल पर अपने में पढ़ा देंगे। ठीक है, तो आप कमेंट जरूर करिए। ठीक है, आपके लिए हम पूरा सहयोग करेंगे। तो आप कमेंट करेंगे तभी हमें पता पड़ेगा कि आपके सेशन कैसा एंजॉय कर रहे हैं। चलिए लास्ट के क्वेश्चन देखते हैं। भारत के में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, कब हुआ था? 1981 में, 1986 में, 1995 में, या फिर 2000 में।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 1986 में भारत पर्यावरण अधिनियम जो पारित हुआ था वो 1986 में हुआ था। और लास्ट क्वेश्चन है इको मार्क। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो शुद्ध और मिलावटी रहित होते हैं, गलत बात है, प्रोटीन समृद्ध होते हैं, ये भी नहीं है, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं, ये बात सही है, आर्थिक दृष्टि से व्यापार्य होते हैं, ये बात गलत है। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण के प्रति महत्वपूर्ण जो उत्पाद होते हैं उनको हम इको मार्क दिया जाता है। ठीक है, तो यही लास्ट क्वेश्चन था। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, चैनल को लाइक कर दिया होगा, शेयर भी कर दिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।